अल्फा, डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे ग्रीक भाषा के कई शब्दों ने कोविड 19 की वजह से अचानक से हमारी जिंदगियों में एंट्री ले ली है। 2019 में चीन में मिला सरस कोविड 19 बीते 2 सालों से पूरी दुनिया के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। कोविड 19 लोगों के लिए डर के साथ जीना छोड़ देता है। महामारी को बढ़ावा देने वाले हर नए वेरियंट का लोगों के मन में खौफ रहना आम सी बात है, जो सामान्य जीवन को भी प्रभावित कर रहा है और हमारे बीच से अपनों की मौत का भी कारण बन रहा है। ओमिक्रॉन के बाद नियोकोव की दस्तक से भी लोग डरे हुए हैं। आपको बता दें, नियोकोव इस हफ्ते कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में रहा। गूगल के मुताबिक देखा जाए तो शुक्रवार को 28 जनवरी तक भारत में यह 5 लाख रिसर्च के साथ टॉप पर रहा। इस नए शब्द ने लोगों को अचानक से चिंता में डाल दिया है। नियोकोव कोरोना वायरस का कोई नया वेरियंट नहीं है। इसकी तमाम बातें एक पीयर रिव्यू स्टडी का हिस्सा है, जिससे चीनी वैज्ञानिकों के एक समूह ने जारी किया है और इसमें कुछ एक्सपर्ट्स वुहान यूनिवर्सिटी के भी शामिल है। हालांकि नियोकोव को लेकर अभी इतनी जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों एक्सपर्ट्स इसे चिंता का विषय मान रहे हैं। आपको बता दें, नियोकोव की वास्तव में कोई फॉर्मूला डेजिग्नेशन नहीं है, इसलिए शब्द की उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल है। कुछ एक्सपर्ट्स ने ट्विटर पर बताया है कि ना तो ये नया कोरोना वायरस है और ना ही कोई म्यूटेशन और ना ही कोई वेरिएंट है। यहाँ तक कि नियोकोव की चर्चा में लाने वाले रिसर्च पेपर भी इसे नोवल कोरोना वायरस का रूप नहीं बता रहे हैं। तो इस वायरस से आम सी बात है कि डरने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ साफ नहीं है कि ये कोरोना वायरस का क्या नया नाम है या नया वेरिएंट है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।